क्या तू अपने प्यार के लिए ये सब करेगा? क्या लिखा इसने? I will never let you go. Oh my God, true love. True love. तो अभी नहीं, तो अभी कहाँ है अपन? हमें नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारी म्यूजियम ऑफ गोवा. देयर इज म्यूजियम, कम ऑन. ये हमारी मम्मी, जब तक उनको जेन्युइन लोकेशन पहुंचती है गाड़ी से बाहर निकलती नहीं. चिप्स एंड ऑल. नहीं, वी विल ईट लेटर. तो लेट मी लॉक द कार. तो चलो चलते हैं अपन. डायरेक्टली नहीं बोलती उसे भूख लगी, वो बोलती है कि 4 बज के खा लेना चाहिए. बोल एक बार डायरेक्टली भूख लगी, बोल. पहली बार तो 4 बज के खा लेना चाहिए, वरना रात को कैसे खाएंगे खाना? राइट राइट. तो गाइस अभी हम आए पेट पूजा करने के लिए. फाइनली को लगी थी बहुत भूख, अभी आया उसका मन का काम करने. गाइस वी जस्ट डन विद आवर लंच. तो अभी हम जा रहे हैं बीच. बीच के पास एक मूवी आई है, देन एक्शन हीरो, वो देखते हैं और आपको बताते हैं कैसी है. बिल्कुल नहीं. व्हाई? मूवी देखने आए क्या हम गोवा? अरे मूवी, आई लव मूवी, मूवीज देखेंगे. तो हमारे मुस्कान दीदी, अब उनका पेट भर चुका है, अब वो बहुत खुश रहेंगे और लोगों को भी खुश रखेंगे. कितना अच्छा हो गया मौसम, देख तो अब लग रही है हल्की हल्की ठंडक. राइट राइट, खाना खाने के बाद और लग रही है. गुड ड्राइवर बाय द वे. थैंक यू सो मच. हम गोवा में चिल करने आए हैं, सो नॉट ड्राइवर. इसलिए जब हम नहीं पियेंगे तब हम ड्राइव करेंगे, राइट अमन? और जब हम पियेंगे तो कौन ड्राइव करेगा? कोई नहीं. मैं तुमको नो लाइफ. आई डोंट नो तुमने कौन सी फिश खाई, बट जो फिश खाई लाइफ में पहली बार मैंने इतनी टेस्टी फिश खाई. इट वाज द गोना, इज द बेबी किंग. इट्स अ बेबी किंग फिश प्रिपेयर्ड इन अ गोन स्टाइल. And the fish was awesome. Shark type. But trust me, मैं को fish बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं. अगर मैंने खा ली तो करा राइट अमर. हाँ. तो आप जब भी विजिट करोगे just make sure वो जो भी fish हो आप उसको गोन स्टाइल में बना के खाना. Actually गोन स्टाइल में बना के खाना. मतलब गोवा स्टाइल. Yeah, गोवा स्टाइल. So guys. अभी हम आए कॉन्डिलम बीच. Right. क्योंकि हमारे पास यही ऑप्शन बचा था इस समय पे. Because someone wanted to see movie. एक्चुअली चलो कोई बात नहीं, मैं क्या ही बोलूं. कॉन्डिलम कोई बीच तो घूमे गोवा आए और पहले दिन बीच ना घूमे, ऐसा हो सकता है. हमें एक्चुअली यहाँ पे सेम टी-शर्ट स्टेज थी क्योंकि हमें अब बनना है गोवा स्टाइल. या मैं तो ऑलरेडी हूँ, सिस्टर भी है मेरी. सर सर फोटो, सर फोटो, सर फोटो, सर एक फोटो, मैम एक फोटो दे दो प्लीज 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 प्लीज. मेरी मम्मी की पिलाटे क्लासेस है. एक फोटो प्लीज, एक फोटो प्लीज, एक फोटो प्लीज. सर 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 अरे सर कहाँ जा रहे हैं आप? सर बड़े दिनों बाद दिखे. एक लॉजिक सुना दी मेरे भाई का. 2 साल पहले वो गोवा आया सेम बीच में, 4 साल पहले सेम बीच, ठीक है. और उसका कहना है कि मैं सेम जगह से एंटर हुआ हूँ. मतलब मैं, चलो वो सब छोड़ो गाइस, पुरानी बातें रात में. लॉजिक भी मुझे समझ नहीं आता है. कैमरा घुमाओ और दिखाओ. वो करते हैं ना, काश कैमरे भी देख सकते कि हमारी आंखें क्या देख रही है.
मेरा काम छीन लिया। क्योंकि आई लव कैमराज एंड गोप्रो है तो ऑब्वियस सी बात है। चलो ये भी बढ़िया है, ये कर लो पहले। गाइस अभी मैं और मेरी माता जा रही है वाटर सेलिंग पे, सॉरी पैरा सेलिंग में। हम क्या बोलते हैं, तो आगे का व्यू दिखाता हूं आपको। बड़ा सो वी आर गोइंग फॉर अ बोट राइड। अमर आर यू एक्साइटेड? वेरी मच। 10% ही बैटरी है, बाकी फोन में शूट करेंगे। प्योर हम जाने वाले पैराग्लाइडिंग के लिए। बहुत ज्यादा देखो मैं 3-4 बार जा चुका हूँ तो भी मेरा एक्साइटमेंट वही लेवल का है जितना पहले भी था। मैं फर्स्ट टाइम है मेरा, बट लिटरली मेरी कर लिए पैराग्लाइडिंग। अभी हम जा रहे हैं मूवी एन एक्शन हीरो। मेरी बेवकूफी है कि मैं मेरा नॉर्मल ग्लासेस लाना भूल गया, सनग्लासेस। ये तो रात में, अगर आप सोच रहे होंगे मैं सनग्लासेस क्यों पहना हूँ तो ये मेरी बेवकूफी है। अभी हम जाएंगे मेरा होटल से नॉर्मल ग्लासेस कैरी करेंगे और फिर जाएंगे हम मल्टीप्लेक्स मूवी देखने के लिए। चल रही है गाइस, किया है मोमोज ऑर्डर, मैं खा रहा हूँ आइसक्रीम मेरा गला खराब होने के बाद भी। फिर हम जाएंगे मूवी